देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे हवा महल क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो जी। विकास तो दूर की बात है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोग एमएलए की निष्क्रियता से को लेकर दुखी हैं, एमएलए साहब आते नहीं, मिलते नहीं, समस्याओं के प्रति उनकी कोई गंभीरता उनकी देखने में कभी नहीं आई। ऐसा लगता है कि एमएलए साहब हर समस्या से, हर बात से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं जी। इसलिए विकास तो बहुत दूर की बात है। एमएलए साहब के बारे में ये कह सकता हूँ कि अब जो जनप्रतिनिधि होने की उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। हवा महल में, विधानसभा में ऐसी कौन सी जगह है, मतलब कुछ एक आपने भी डिसाइड किया हो ना कि आपके एमएलए में बनेंगे तो ये इस तरह के विकास कराएंगे, कौन से क्षेत्र रह गए जिन पे विकास होना बाकी है, जिन पे आपका ध्यान जाएगा विकास के मुद्दों पे? मैं कह रहा हूँ विकास बाकी कौन सा रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज स्थिति है हवा महल में न कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम रहता है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, पानी की स्थिति ठीक नहीं है, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है, कॉलोनियों में तार लटक रहे हैं, तो कुल मिला के स्थिति पूरे हवा महल क्षेत्र में ये लोगों को तकलीफें बहुत हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा सुकून नहीं है। सुकून है तो सिर्फ ये है कि ये क्षेत्र जयपुर का बड़ा परंपरागत क्षेत्र है और एक गर्व की अनुभूति है। जयपुर वैसे ही इसको छोटी काशी के रूप में माना जाता है कि बहुत धार्मिक मान्यता वाले, धार्मिक अनुयायी किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं जी। तो ये सेटिस्फेक्शन मुझे भी और जयपुर के हर बाशिंदे को, और मुझे भी इस बात की संतुष्टि है कि मैंने ऐसे शहर में जन्म लिया जिसको अपरा काशी या छोटी काशी कहा जाता है जी। ये इस भाव को अगर हम निकाल दें तो कोई गर्व करने की स्थिति हवा महल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की रहती नहीं है। कोई विकास के काम कोई गिना सके कि ये विकास करा दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विकास कराया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को कैसे पीने का पानी सहजता से, सुगमता से मिले, बिजली की समस्या जो है तारों की वो नहीं रहे, भूमिगत जो केबलिंग हुई है वो ठीक से नहीं, जहाँ हुई है वो ठीक से नहीं हुई है, सड़कों की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, ये भी आम जरूरत की चीज़ें वहाँ पे जिनका रोज़मर्रा के काम आने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, जब उनके बारे में संतुष्टि नहीं है लोगों को, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इन मुद्दों पे संतुष्टि लोगों को हो सके और मैं इन समस्याओं को दूर कर सकूँ। आपका ये कहना है कि बेसिक अम्यूनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज हवा महल की जनता को नहीं मिल पा रही है, उन सब पे आप ध्यान देंगे, उन सब का विकास करेंगे, तो ऐसे कांग्रेस के मुद्दे बता दीजिए कि कांग्रेस किन मुद्दों पे राजस्थान में इलेक्शन लड़ने जा रही है? देखिए, राजस्थान में जितना भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में हुआ है, आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, कोई काम लेकर चले जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनवाई हुई तो सिर्फ उसकी हुई जिसने पैसा खर्च करने की कोशिश की है और उसमें भी ईमानदारी नहीं रखी गई। कई तो लोग ऐसे आते हैं जो शिकायत करते हैं कि बोले भाई साहब पैसे भी ले लिए और फिर भी काम नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार भी ईमानदारी से उन्होंने नहीं किया। अब जब ऐसे भ्रष्ट शासन हो, मुझे एक कवि की 4 लाइनें याद आ रही हैं, डसने की क्षमता रोजाना विष पीने वाले बढ़ा रहे, जीने की खातिर बेचारे नित रोज चढ़ावा चढ़ा रहे, मंथन हो सागर का जी। ये सागर का मंथन, ये जो राज्य है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो शासन है, उसको हम मंथन के रूप में, मंथन हो सागर का और असुरों के हाथ प्रबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन जी। आज स्थिति राजस्थान की यही है जी। कि जिस किस्म के लोगों के हाथ में प्रशासन है, शासन है, बागडोर है,
वो बागडोर उन लोगों के हाथ में है जिनका उद्देश्य सुशासन देना नहीं बल्कि उसे और उद्देश्य उनका है। मैं सीधे रूप में कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, हर किस तरह की बात होती है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अच्छा शासन देना जिनकी प्राथमिकता कभी नहीं रही, ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की मैं नीतियां जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में ऐसी कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है जिनको लेके आप राजस्थान में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा 5-7-10 पॉइंट ऐसे हो जिनपे की उनपे विकास या इन पॉइंट पे आप राजस्थान में चुनाव के लिए जा रहे हैं। देखिए हमने एक अच्छा शासन दिया जी 2008 से लेके 2013 तक का, उससे पहले 98 से लेके और 98 से लेके 2003 तक का जी। मैं अभी इन 10 साल इन दो शासनों की बात करूंगा, उससे पहले भी कांग्रेस ने शासन दिया और बहुत अच्छे शासन दिए हैं। जिस तरीके की योजनाएं बनाई गई, जिस तरीके से काम किए गए, पहले ये सरकार थी अशोक गहलोत जी की 1998 से 2003 के बीच में, कोई सोच नहीं सकता था कि जयपुर में बरामदे खाली हो जाएंगे जी। कोई सोच नहीं सकता था कि सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, कोई सोच नहीं सकता था कि जेएलएन मार का ये स्वरूप निखर के सामने आएगा, कोई सोच नहीं सकता था कि इस स्तर पर लोगों को राहत दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी लोगों को, पेंशन में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को हटाया जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था कि इतना विकास होगा, जयपुर में 3-tier ट्रैफिक सिस्टम हो जाएगा बल्कि उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 4-tier तक का हो गया कि अंडरग्राउंड भी जा रहा है, ऊपर सड़क जा रही है, ऊपर मेट्रो जा रही है, ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है। तो कुल मिला के ये ऐसे ऐसे सपने थे, पहाड़ को चीर के घाट की गुणी की सुरंग बनाई जाएगी, मेट्रो जयपुर में लाई जाएगी। इन दो शासन कालों के दौरान ये जो सारे काम हुए अपने आप में अद्भुत काम है, बहुत बड़े काम है, और सिर्फ हमने इनकी घोषणा नहीं की, हम इन कामों को पूरा किया। जयपुर में बरामदे पिछले पहले वाले सरकार में खाली कराए, कोई सोचता नहीं था कि जयपुर में बरामदे भी खाली हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए भी बहुत आसान था कि व्यापारियों को भुलावे में रख के उनसे चंदा वसूल करते रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही, बरामदे खाली हो जाएंगे, आप बरामदे खाली नहीं करने के लिए उनको चढ़ावा चढ़ा रहे हो। तो ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने बरामदे खाली कराए और तब अशोक गहलोत जी ने कहा था कि आज मैं सख्त होकर बरामदे खाली करा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में जनता ही नहीं ये व्यापारी भी मुझे दुआ देंगे कि ये बरामदे खाली हो गए तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आज स्थिति है, लोगों को सुविधा है, व्यापार जो चलता है, व्यापार की परेशानी नोटबंदी के बाद से आई है, चौपट हो गए लोगों के धंधे, मीडियम क्लास का जो व्यापारी है, मीडियम क्लास का जो आदमी है वो एकदम त्रस्त है, खत्म हो चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। नोटबंदी की बात करें, इसके साथ जीएसटी की बात करें, जयपुर के विकास की बात करें, जयपुर में शासन देने की बात करें, जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में मुफ्त दवा देने की बात करें, पेंशन देने की बात करें, तो इतने सारे मुद्दे हैं कि जो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इनमें असफल रही हैं, ये उनके खिलाफ जाता है। आपकी विधानसभा से कोई ऐसे समीकरण आपने तैयार किए होंगे जिसमें आप विजय हो सकें आपकी विधानसभा से? देखिए समीकरण तो जनता ही तय करती है,